हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मेघा पाठक पर। देखिए, मैं आज आपके सामने जो है व्यक्तित्व का पार्ट नंबर 2 लेकर के आई हूँ। आपको पता है कि हम लोग व्यक्तित्व का टॉपिक है वो स्टार्ट कर चुके थे। इसके पहले भी मैंने काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको पढ़ा दिए हैं। तो जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर अभी अभी नए आए हैं, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन करा है मेरा चैनल, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर एक बार विजिट करें। वहाँ पर आपको बहुत ही यूज़फुल, आपके लिए स्पेशली फॉर रीट एंड सीटेट, आपको इसके लिए बहुत ही अच्छा स्टडी मटेरियल जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है। केवल जो है एग्ज़ाम रेलेवेंट स्टडी मटेरियल ही हम इस चैनल पर जो है रीड कर रहे हैं। हम कोई भी फालतू का जो स्टडी मटेरियल है, क्योंकि आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक्सट्रीम जो है कोर्स दिया जाता है, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए, उन्हें एनालाइज करते हुए जो है हम थोड़ा सा इसको जज कर सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरीके से जो है मैंने आपका पूरा जो यहाँ पर स्टडी मटेरियल डाला है वो उसी तरीके से तैयार करा है। तो जो मेरे चैनल से अभी अभी जुड़े हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर दें, जो वीडियोस हैं उन्हें आप प्लीज़ पूरा देखें, और उनसे रिलेटेड अगर आपके कोई सजेशंस हों या इस चैनल से रिलेटेड कोई सजेशंस हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं ज़रूर उन्हें अपने चैनल पर अप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके अलावा जो लोग आपके पहचान में स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, स्पेशली जो है टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, उन तक ये जो वीडियोज़ हैं वो आप ज़रूर पहुँचाएँ। सी टेट के कैंडिडेट्स के लिए भी जो वीडियोज़ हैं वो बिल्कुल पैरेलल यूज़फुल है, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं आपको जो SST पोर्शन कवर करवा रही हूँ वो NCERT बुक्स प्लस जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक्स हैं उनसे लिया हुआ स्टडी मटेरियल मैं आप लोगों को प्रेजेंट कर रही हूँ। हैंड रिटन नोट्स जो हैं आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जो आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिल सकते। आई एम श्योर आप अगर किसी भी कोचिंग पर जाकर के देख लें, आपको जितना स्टडी मटेरियल वहाँ पर लिखाया जाएगा उनमें से NCERT बेस्ड जो है वो बहुत ही कम परसेंटेज होता है, और हमारा जो क्वेश्चन पेपर है स्पेशली जो रीट का है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बनाता है। तो जो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं अभी तक बनाए हैं वो सारे जो हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्लस NCERT बुक्स जो हैं उनको कवर करते हुए बनाए हैं। तो प्लीज़ आप लोग अगर स्टडी करना चाहते हैं, अपना जो है प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, स्पेशली फॉर टीचिंग एग्जाम्स, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। मेरे चैनल पर रेगुलर जो है आप स्टडी कर सकते हैं, अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो देखिए, जो है व्यक्तित्व का हम पार्ट नंबर 2 लेकर के आए हैं, और जो लोग टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए टेस्ट नंबर 24 है। प्लीज़ जो है लॉयली आप टेस्ट दें, और मेरे आंसर बताने से पहले आपको कितने आंसर्स आपको अच्छे से आ चुके थे या आपके कितने करेक्ट होते हैं वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्यक्तित्व की अवधारणा को सर्वप्रथम किसके आधार पर प्रस्तुत किया गया। देखिए, बहुत ही स्तरीय टेस्ट है, ऐसा नॉर्मल जो क्वेश्चंस हैं वो देखे नहीं जाते हैं। काफ़ी सारी बुक्स मैंने भी रीड करी है, लेकिन इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही डीप स्टडी के बाद बनते हैं। तो देखिए, ये बताइए, जो लोग टेस्ट दे रहे हैं वो प्लीज़ गेस करिए कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आंसर क्या हो सकता है। देखिए, इसका जो आंसर है वो है डी, ये मैंने 4 लिखा हुआ है, ये डी है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका आंसर हो जाएगा। शारीरिक आधार पर जो है सर्वप्रथम जो है व्यक्तित्व वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यक्तित्व की अवधारणा को सर्वप्रथम शारीरिक आधार पर किसने प्रस्तुत किया। ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी हिप्पोक्रेट्स या डी सुकरात। तो देखिए, इसका आंसर बताइए। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी हिप्पोक्रेट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यक्तित्व का सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। ए आल्पोर्ट, बी कैटल, सी ए और बी दोनों, या डी दोनों में से कोई नहीं। देखिए, सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक अध्ययन की बात कर रहा है, ना कि सर्वप्रथम अध्ययन की बात। सर्वप्रथम अध्ययन जो है वो शारीरिक आधार पर हिप्पोक्रेट्स ने किया था, हमने जैसा कि अभी अभी क्वेश्चन में इसको पढ़ा है। लेकिन जो है मनोवैज्ञानिक अध्ययन जो है वो सर्वप्रथम जो है आल्पोर्ट और कैटल, इन दोनों ने संयुक्त अध्ययन किया था। तो जो जिसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यक्तित्व का विश्व का प्राचीनतम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्यक्तित्व जो टॉपिक है यानी कि पर्सनैलिटी जो टॉपिक है वो पूरा का पूरा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से काफ़ी सारे क्या, इनफैक्ट हर एक टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट ले लीजिए या फिर जो है
वैकेंसी या रिक्रूटमेंट टेस्ट हैं उनके लिए जो भी एग्जाम एग्जामिनेशन पेपर्स जो रेडी किए जाते हैं उसके अंदर जो व्यक्तित्व से रिलेटेड अगर क्वेश्चन नहीं पूछे गए हों, ऐसा कोई पेपर नहीं है। यहाँ तक कि जो नेट और सेट के एग्जाम्स हैं उसमें भी जो है व्यक्तित्व से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एक एक क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से ध्यान से देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है, अभी तक जो टेस्ट दे रहे हैं उन्होंने गेस कर लिया होगा, इसका जो आंसर है वो मैं बता देती हूँ कि विश्व का जो प्राचीनतम वर्गीकरण है वो जो है हिप्पोक्रेट्स ने प्रस्तुत किया था। देखिए मनोवैज्ञानिक जो वर्गीकरण है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि आलपोर्ट और कैटल का कंबाइंड वर्गीकरण था। इसके अलावा जो है विश्व का प्राचीनतम वर्गीकरण जो अगर बात आ जाती है तो वो हिप्पोक्रेट्स ने दिया था, और आपको मैंने बता दिया है कि शारीरिक आधार पर ये दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्यक्तित्व का टाइप ए और टाइप बी वर्गीकरण किन मनोवैज्ञानिकों की देन है। देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोगों में से कई जो फ्रेंड्स हैं जिन हो सकता है कि ये क्वेश्चन पहली बार देख रहे हों, लेकिन ये जो है एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलेवेंट टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए इसका जो आंसर बताइए, इसका देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। तो फ्रिडमैन और रोसनमैन इन दोनों ने जो है टाइप ए और टाइप बी वर्गीकरण जो है मनोवैज्ञानिक सॉरी जो व्यक्तित्व का जो टाइप ए और टाइप बी वर्गीकरण जो है वो फ्रिडमैन और रोसनमैन इन दोनों ने कंबाइंड प्रस्तुत किया था। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा क्रैचमर का व्यक्तित्व प्रकार नहीं है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें काफ़ी सारे व्यक्तित्व वर्गीकरण आपको देखने को मिलेंगे। क्रैचमर का मिलेगा, शेल्डन का मिलेगा, इसके अलावा टर्मन का मिलेगा, थार्नडाइक ने जो व्यक्तित्व वर्गीकरण दिया है वो मिलेगा आपको। इसके अलावा जो स्प्रेंगर है उसका व्यक्तित्व वर्गीकरण यहाँ पर पूछा गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो है मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बताइए देखिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है आंसर आप बताइए, क्रैचमर का जो व्यक्तित्व वर्गीकरण है उसका प्रकार नहीं है ये पूछ रहा है। तो देखिए क्रैचमर ने जो है 4 प्रकार के व्यक्तित्व वर्गीकरण दिए हैं, एस्थेटिक, एथलेटिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक। तो देखिए इसमें ए, बी और सी ये तो तीनों जो है क्रैचमर के वर्गीकरण है, लेकिन जो कॉलेनिक है वो इसने नहीं दिया है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कॉलेनिक। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का सबसे प्राचीन भारतीय वर्गीकरण किसने प्रदान किया था। देखिए कभी कभी पूछ लिया जाता है इस तरीके का क्वेश्चन भी कि जो भारतीय वर्गीकरण है वो किसने दिया था। तो देखिए जो इसका आंसर है वो सभी को पता है कि इसका आंसर कपिल मुनि हो जाएगा, क्योंकि भारतीय नाम जो है वो कपिल मुनि एक ही नाम यहाँ पर नजर आ रहा है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कपिल मुनि द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण का प्रकार नहीं है। तो देखिए कपिल मुनि ने जो है व्यक्तित्व वर्गीकरण के 3 प्रकार प्रस्तुत किए थे, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो देखिए जो कॉलेनिक है वो इसका प्रकार नहीं है, तो जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, कॉलेनिक। क्वेश्चन नंबर 9 है, फिजिक एंड कैरेक्टर व्यक्तित्व वर्गीकरण की पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक की देन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है कि बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आजकल, ये नया ट्रेंड बन चुका है कि जो मनोवैज्ञानिक है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जो दी जाती है वो उनके द्वारा रिटर्न जो बुक्स हैं उनको ही दी जाती है। तो देखिए फिजिक एंड कैरेक्टर जो बुक है वो किसने प्रस्तुत की थी बताइए, ए कॉलसेनिक ने, बी क्रैचमर ने, सी हिप्पोक्रेट्स ने या डी ऑलपोर्ट ने। तो देखिए इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा, क्रैचमर ने, जो फिजिक एंड कैरेक्टर जो बुक है वो क्रैचमर की देन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा मन व्यक्तित्व के बुरे प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता है कि जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं उनमें हम अहम, इदम और परम अहम ये व्यक्तित्व वर्गीकरण पढ़ते हैं, जिन्हें इड, ईगो और सुपर ईगो कहा जाता है। तो देखिए व्यक्तित्व के जो बुरे प्रबंधन के लिए जो है वो इड यानी कि अहम जो होता है वो जिम्मेदार होता है। देखिए मैं इन तीनों को ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो इड होता है वो क्या होता है। देखिए अगर कोई व्यक्ति है और उसका जो है बिहेवियर इस तरीके का है कि वो जो है आत्म सुख को लेकर के प्रायोरिटी देता है, और जिसका जो पेशेंस लेवल है वो बहुत ही मिनिमम पॉइंट पर होता है, और इसके अलावा उसको तुरंत जो है प्रतिपुष्टि चाहिए होती है या तुरंत जो है सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है, तो इस तरीके का जो व्यक्तित्व होता है वो इड के अंदर शामिल किया गया है, जिसे अहम कहते हैं। और जो ईगो होता है वो उसमें दोनों तरह की क्वालिटीज़ होती हैं, उसको तुरंत सुख भी चाहिए होता है, लेकिन यदि वो सिचुएशन
देखता है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को पेशेंस लेवल में भी कन्वर्ट कर लेता है, यानी कि उसमें दोनों तरीके की क्वालिटी पाई जाती हैं, तो इसे ईगो कहते हैं। और देखिए जो सी है यानी कि सुपर ईगो, जिसे कि परम अहम कहा जाता है हिंदी में, उसके अंदर जो है सामाजिक, यानी कि वो अपने नैतिक, एक नैतिक गुण बना लेता है अपने जीवन में, नैतिक गुणों को बहुत प्रायोरिटी देता है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है चाहे किसी भी तरीके का कोई भी सिचुएशन लाइफ में आ जाए, उसके अंदर जो है उसके जो नैतिक गुण हैं, जो मूल्य हैं, उन्हीं को वो प्रायोरिटी देता है, उनमें वो कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता है। तो जो ईगो होता है यानी कि अहम होता है, वो इड यानी कि सॉरी जो ईगो होता है अहम, हाँ अहम और परम अहम, इन दोनों के बीच में जो है ईगो एक पुल का काम करता है, ये इसका प्रकार होता है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इसलिए दिया था क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है इस चैप्टर में, और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं अप्लाइड क्वेश्चंस यानी कि वो देखे जाते हैं, क्योंकि व्यक्तित्व का जो है संपूर्ण जो अध्ययन है वो इन तीनों के अंदर ही समाहित है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, युंग के अनुसार ऐसे व्यक्ति जिनमें कम सामाजिकता पाई जाती है क्या कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है युंग का व्यक्तित्व वर्गीकरण, हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है युंग के व्यक्तित्व वर्गीकरण में से। युंग ने जो है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार का, दो प्रकार का व्यक्तित्व वर्गीकरण दिया है, और जो उभयमुखी है देखिए वो उसने व्यक्तित्व वर्गीकरण में नहीं दिया था, लेकिन जो है ये सुविधा अनुसार क्रिएट कर लिया गया है कि ये एक तीसरा प्रकार बना दिया गया है उभयमुखी, यानी कि जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के मध्य जो है पुल का काम करता है उसे उभयमुखी जो है वो प्रकार एक बना दिया गया है, लेकिन जो युंग ने व्यक्तित्व वर्गीकरण दिया था वो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ये दोनों दिया था। और देखिए उसने ये कहा था कि जो लोग कम मिलते जुलते हैं, जिनमें कम सामाजिकता पाई जाती है, वो अंतर्मुखी होते हैं यानी कि इंट्रोवर्ट, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, अंतर्मुखी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा वर्गीकरण समाजशास्त्रीय आधार पर प्रदान किया गया है। ए ऑलपोर्ट का, बी कैटल का, सी स्प्रेंगर का, या डी हिप्पोक्रेट्स का। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्प्रेंगर का, जो वर्गीकरण है वो समाजशास्त्रीय आधार पर प्रदान किया गया है। तो देखिए इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है। तो देखिए हम लोग अभी अभी स्टडी कर चुके हैं कि जो ऊपर देखिए काफ़ी सारे जो नाम है, देखिए जो नाम दे रखे हैं एस्थेटिक, एथलेटिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक, ये जो वर्गीकरण है वो शारीरिक संरचना के आधार पर है, और इसको जो है दिया था क्रैचमर ने दिया था। तो जो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा क्रैचमर, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, शारीरिक संगठन के आधार पर व्यक्तित्व वर्गीकरण दिया गया है। तो देखिए शारीरिक संरचना के आधार पर तो क्रैचमर ने दिया था, और शारीरिक संगठन के आधार पर जो दिया था वो शेल्डन ने दिया था। इसने जो व्यक्तित्व वर्गीकरण दिया था उसके तीन प्रकार बताए थे, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक और मीजोमॉर्फिक। देखिए ये तीन प्रकार के जो प्रकार हैं वो शारीरिक संगठन के आधार पर शेल्डन ने दिए थे, मैंने आपको बता दिए हैं, एक्टोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक, ये तीनों तरह का जो व्यक्तित्व वर्गीकरण है ये शेल्डन ने प्रदान किया था, और किस आधार पर था, शारीरिक संगठन के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शेल्डन। तो देखिए ये जो दो पार्ट्स हैं मैं वो आपके लिए लेकर के आई हूँ, व्यक्तित्व कोई छोटा टॉपिक नहीं है, ये अभी काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा क्योंकि इसके अंदर व्यक्तित्व वर्गीकरण की विधियाँ भी आती हैं, इसके जो सिद्धांत हैं वो आएंगे, काफ़ी सारा जो है मनोवैज्ञानिकों ने किन किन ने किस किस आधार पर व्यक्तित्व वर्गीकरण दिया है वो सारा आएगा, उसके अलावा उनके जो प्रकार हैं उस पर बने हुए क्वेश्चंस हैं जो मैं आगे के वीडियोज़ में आपके लिए लेकर के आई हूँ आऊँगी। इसका पार्ट नंबर 3 है वो कुछ टाइम में, या फिर नेक्स्ट वीडियो जो भी हम लेकर के आएंगे वो पार्ट नंबर 3 लेकर के आएंगे, और टेस्ट नंबर 25 रहेगा वो। प्लीज़ मेरे चैनल पर आप लोग टेस्ट देते रहें, कंटिन्यूटी से जुड़े रहें। देखिए आपको रेगुलर यहाँ पर जो है वीडियोस अपलोड किए जाते हैं, इसके अलावा मैं हिंदी भी यहाँ पर टीच कर रही हूँ, हिंदी में जो है मैंने आधार बनाया है नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना, जो कि पहले चलती थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक थी, लेकिन अभी वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, गवर्नमेंट ने उसे बंद कर दिया है, लेकिन बहुत ही यूज़फुल बुक है, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे गए हैं,
देखे उनको मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। इसके अलावा जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की लेटेस्ट बुक है हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, वो भी यहाँ पर टीच की जा रही है। इसके अलावा मैंने SST के बारे में आपको बता दिया है कि मैं 6 to 10 तक की जो है SST का पोर्शन NCERT प्लस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि RBSC की बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर के बना रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहें, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाएं, उन तक मेरे वीडियोस शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।